तो आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो मैं अभी पूजा कर रही हूँ और पूजा करने के बाद मेरे बच्चे राखी बांधने वाले हैं और मैं तो दूर रहती हूँ तो मैं अपने भाई को राखी नहीं बांध सकती हूँ। तो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ कि हम किस तरह से मनाते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को दिखा दे रही हूँ कि ये जो हमारे मंदिर है यहाँ पे हम सभी देवी देवता को रखे हुए हैं और यहाँ पे आप सभी को थाली जैसे हमने सजाई हुई है आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए ये है हमारा जो हम प्रसाद चढ़ाने वाले हैं भगवान को और इस तरह से हमारा थाली है और यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो अभी पहले मैं भगवान की पूजा करूँगी फिर आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे मैं हर साल गणपति बप्पा को राखी बांधती हूँ तो ये पिछले साल का है आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसको मैं निकाल के अभी दूसरा राखी बांधूंगी। और आप अपने भाई से दूर रहते हैं नहीं जा सकते भाई के पास तो इस तरह से कृष्णा को या गणपति बप्पा को बांध के अपना राखी बांध के और अपने भाई के लिए विश कर सकते हैं अच्छा सही सलामत रहे मेरा भाई इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं हर साल जब से महाराष्ट्र में हूँ तब से इसी तरह से मैं गणपति बप्पा को राखी बांधती हूँ और अपने भाई का लंबी उम्र का प्रार्थना करती रहती हूँ हमेशा। तो आगे आप सभी बने रहे वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने तिलक वगैरह लगा दिए थे गणपति बप्पा को पर क्या हुआ यहाँ पे राखी बांधने को जम नहीं रहा था तो मैं नीचे निकाली हूँ और नीचे पूजा का जो कपड़ा है उसी पे और इस तरह से फिर राखी मैं नीचे में बांध रही हूँ। तिलक मैंने पहले लगा चुकी हूँ और राखी बांधती हूँ और अक्षत डालूँगी और फूल चढ़ाऊँगी और फिर उसके बाद जो है मैं ऊपर रखूँगी इसको गणपति बप्पा को मूर्ति को। और यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे मैं नीचे में निकाल दिए हैं कि अच्छे से पूजा करना हो जाएगा। और इस तरह से मैं आज जो है ना गणपति बप्पा को राखी बांधी हूँ और हर एक साल जब से मैं महाराष्ट्र में रह रही हूँ तब से मैं गणपति बप्पा को राखी बांधती हूँ और अपने भाई दोनों भाई के लिए लंबी उम्र की दुआ करती हूँ। फिर मेरा जो है यहाँ पे पूजा हो जाता है करके तो मैं बाकी का पूजा करूँगी और यहाँ पे मैं आरती भी कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरा हो जाता है फिर राखी भी चढ़ाना हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं गाड़ी को पूजा करती हूँ यहाँ पे गाड़ी का पूजा मैं हर एक साल करती हूँ हर एक राखी में आप करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इस तरह से। और ये भी हमारे घर की एक तरह से सदस्य होते हैं कि हमें हर एक टाइम साथ होते हैं तो इस तरह से। तो ये देखिए तो मैं गाड़ी को भी राखी बांध रही हूँ और मेरा बेटा का ये साइकिल है तो उसको भी मैं राखी बांधूंगी तिलक करती हूँ। और इसी तरह से मैं हर एक राखी पे गाड़ी को साइकिल को भी राखी बांध देती हूँ और हर त्यौहार में मैं पूजा करती हूँ। तो इस तरह से हो गया है और गुंजन के साइकिल में भी करूँगी पूजा क्योंकि गुंजन भी चलाती है ना इसलिए। तो यहाँ पे गुंजन साइकिल में भी कर रही हूँ ये गुंजन का साइकिल है और बेटी का राज का ही था पर अभी गुंजन चलाती है। ये हमारा गाड़ी का पूजा हो जाता है तो अभी बच्चे लोग पूजा करने वाले हैं तो पूरे वीडियो में बने रहे फ्रेंड्स। मेरा पूजा करके हो जाता है तो अभी बच्चे लोग बांधने वाले हैं राखी तो आप सभी यहाँ पे बने रहे। और यहाँ पे देखिए गुंजन जो है टीका लगा चुके हैं भाई को और फिर उसके बाद हम राखी हम नहीं निकाले हुए थे तो अभी राज को ही बोलती हूँ राखी निकाल ले।
तो यहाँ पे राज जो है राखी निकाल रहे हैं और फिर उसके बाद तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और गुंजन तृप्ति राज को राखी बांध रही है, क्योंकि भाई बहन का सबसे बड़ा जो त्यौहार ये रक्षाबंधन ही है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गुंजन जो है राखी बांध रही है राज को, और तृप्ति भी अपना हाथ आगे बढ़ा रही है कि हमको भी राखी बांध देगा क्योंकि अभी ये बहुत छोटी है, इसको कुछ समझ नहीं है। तृप्ति हाय बेटा, तुम भी राखी बांध देगी ब्रदर को? बांध रहा ब्रदर को। यहाँ पे राखी बांध के हो जाती है, तो फिर अभी राखी पे ही कुमकुम वगैरह मैं लगाने को बोलती हूँ गुंजन को। छोटी बच्ची है तो अभी इनको इतना नहीं समझता है किस तरह से करना है। मैं हर एक साल बताती हूँ पर कैसा है, बच्चे हैं तो भूल जाते हैं, तो फिर भी अच्छे से ही करते हैं बच्चे मेरे। तो ये देखिए, और हम जब पेरेंट्स लोग अच्छे से समझाते हैं बच्चे को तो अच्छे से बच्चे भी करने की कोशिश करती है। तो वही मेरी बेटिया, और देखिए किस तरह से मना रहे हैं। और आप सभी पूरे वीडियो देखिए फ्रेंड्स, और आप सभी को कैसा लगा ना मेरा बेटी मेरे बच्चे का ये फंक्शन? तो आप सभी ज़रूर मेरी बेटियों के लिए बच्चों के लिए दुआ कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। और अब भी तृप्ति बांधेंगी, और तृप्ति जो है ना ये खुद खुश है कि मुझे बांधने वाली है मम्मी। लेकिन अभी देखिए तृप्ति भी, उसको लगा कि मुझे भी बांधना पड़ेगा भाई को, और इनको तुरंत से दिमाग में कैच कर लिया कि मुझे भाई को ही बांधना है, क्योंकि दीदी बांधी थी तो मुझे भी राखी भाई को बांधना है। तो इस तरह से देखिए, ये भी गुंजन उसका बांध रही है और गुंजन का वो एडजस्ट कर रही है। फिर यहाँ पे तिलक लगाने को बोल रही हूँ मैं ब्रदर को, वो ब्रदर ही बोलते हैं गुंजन तृप्ति। और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो सभी कुछ जिस तरह से गुंजन करी है उसी तरह से करने को बोल रही हूँ। और देखिए खुद से कितने अच्छे से उसने ये किया, और हम सब खुश होते हैं ना तो उनको लगता है कि मैं गुड काम किया है, तो इसलिए वो ताली मारने लगती है। तो इस तरह से आज का जो बच्चे लोग हमारे रक्षाबंधन इस तरह से मनाए हुए हैं। और अभी खिलाएंगे लड्डू, देखिए उसको खुद खाने की तभी से मन है, और पर फिर भी भाई को खिलाया है और इतना प्यार करता है। तीनों बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते फ्रेंड्स। थैंक यू ब्रदर दादूला। अब नमस्ते, प्रणाम कर दादूला। नमस्ते कर। धोकलाग दादूला, धोकलाग। चलो। बाय। हैप्पी रक्षाबंधन भन। बन तो तारीख ना बन, तारीख ना बन बन। हैप्पी रक्षाबंधन दीपी, बना हैप्पी रक्षाबंधन। तो फ्रेंड्स अभी मेरी जो ननंद है वो तो यहाँ पे नहीं है, और हम लोग तो गांव में नहीं रह रहे, तो अभी गुंजन बेटा राखी बांध देगी पापा जी को। अच्छा से बैठो बेटा। इस तरह से कर सकते क्योंकि बेटी घर में जो रहता है उससे राखी बांधना होता है बेटी दोस्तों, तो इस वजह से बेटियां राखी बांध रही है। तो पहले सबसे पहले क्या करो, पापा को टीका करो ऐसा जैसा किया था बोधर। बेटी का कई सारा रूप होता है फ्रेंड्स, और बेटी हर चीज को अच्छे से निभा देती है, हर रिश्ता। तो वही चीज आज मेरी बेटी देखिए अपने पापा को राखी बांध रही है।
तो ये देखिए दोस्तों, मेरी बहन गांव में आई, इसी वजह से बहन की जगह आज गुंजन ने ली है और गुंजन ही राखी बांध रही पापा को। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और सभी दोस्तों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुंजन को राखी बांध करके हो जाता है यहाँ पे, तो बाकी का जो है अभी अच्छा बकरा कर रहे हैं और फिर राखी पे भी कर रहे हैं और उसके बाद कुमकुम लगा रहे हैं। और आप सभी किस तरह से मनाए हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आरती कर रही है गुंजन, फिर अपने पापा को लड्डू भी खिलाएगी। तो आप सभी किस तरह से मनाए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी के साथ मैं शेयर करी हूँ ये वीडियो, कैसा लगा आप सभी को भी कमेंट करके बता दीजिएगा। तुम भी रक्षाबंधन का मुंह मीठा कर लो रक्षाबंधन सेलिब्रेशन का। ये देखिए इस तरह से हमने आज बनाए हैं राइस और ये सभी सब्जियां और यहाँ पे है चटनी, गिर गया, और ये दाल। आप सभी भी आइए खाने को फ्रेंड्स। तो जो भी वीडियो आप सभी के साथ शेयर करी हूँ, आप सभी को दिखाई हूँ, आज का जो भी चीज हमने किए है सुबह से, सभी कुछ आप सभी के साथ शेयर करी हूँ। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएंगे आप सभी को। तो चैनल पे नए आए हुए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं ये वीडियो को करूंगी यहीं पे एंड, क्योंकि बच्चे लोग को अभी खाना देना है, भूख लगा है, भूख है ना। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। बाय 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 करो, बाय करो।